नमस्ते, वेलकम। और आज की वीडियो में मीडी डिवाइस, हाउ टू कनेक्ट मीडी डिवाइस का जो इंटरनल सेटिंग है उसके बारे में बात करते हैं रीपर में। तो दिस इज़ द रीपर, और मीडी डिवाइस इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप ऑप्शन में जाओ। ऑप्शन क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे एक प्रेफरेंस आता है। प्रेफरेंस में सारी सेटिंग्स हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये ऑडियो का सेटिंग है, तो इसके बारे में आज बात नहीं करूँगा। मीडी डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो ये साइड में मीडी डिवाइस जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपका मीडी कीबोर्ड कनेक्ट होगा वाया USB वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जिससे आपको प्ले करना है। तो सपोज करो आप एक बार इसको रीसेट ऑल मीडी डिवाइस कर सकते हैं, तो जो जो कनेक्ट होगा वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने अपना मीडी कीबोर्ड कनेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं ऊपर एक T-Rig 49 करके एक आ गया है। तो आई थिंक एक बार बंद करके आप इसको रीस्टार्ट करेंगे रीपर। तो चलिए फिर से चेक करते हैं और इंस्ट्रूमेंट लोड करते हैं। तो आई लोडेड इंस्ट्रूमेंट, और चलिए एक इंस्ट्रूमेंट लिया। तो आप देख सकते हैं कि एक बार जब आप कनेक्ट करोगे तो उसके बाद रीपर को दोबारा ओपन करेंगे तब ये बराबर से। ये कनेक्ट होता है और ये वर्क करता है। तो इस तरह से आप मीडी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं रीपर में। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, और आगे भी बताऊंगा कि कैसे इंटरफेस इसमें कनेक्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो नहीं है, सो इसलिए मीडी डिवाइस कनेक्शन के लिए आज ये मैंने आपको छोटी सी टिप्स दी। आई होप यू लाइक दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।